तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में स्टार भारत पर आने वाले श्री राधा कृष्ण के काश के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाली हूँ। तो अगर आप सब भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फलक नाच के बारे में, जो कि देवकी का किरदार निभा चुकी है। तो इनकी शादी नहीं हुई है, अभी ये सिंगल है। अर्पित रंका जो कि कंस का किरदार निभा चुके हैं, तो इनकी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम निधि सोमानी है। मीना कपूर जो कि यशोदा का किरदार निभा चुकी है, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और इनके पति का नाम करण निझर है। गावी चहल जो कि नंद बाबा का किरदार निभा चुके हैं, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम नहीं मालूम है। आकांक्षा रावत जो कि कृति दा का किरदार निभा चुकी है, तो इनकी भी शादी हुई थी पर अभी इनका तलाक हो चुका है और इनके पति पीयूष सहदेव थे। पियाली मुंशी जो कि पार्वती का किरदार निभा रहे हैं, तो इनकी शादी नहीं हुई है, ये अभी सिंगल है। तरुण खन्ना जो कि महादेव का किरदार निभा रहे हैं, तो इनकी पत्नी का नाम है स्मृति मोहन है और इनकी शादी साल 2012 में हुई थी। अलिया घोष जो कि सत्यभामा का रोल प्ले कर रही है, तो अभी ये सिंगल है। झलक देसाई जो कि रुक्मिणी का किरदार निभा रहे, तो ये भी अभी सिंगल है। हिमांशु सोनी जो कि पहले कृष्णा का किरदार निभाए, तो इनकी भी शादी हो चुकी और इनकी पत्नी का नाम शीतल सिंह है। कृप कपूर सूरी जो कि दुर्योधन का किरदार निभा चुकी है, तो इनकी भी शादी हो चुकी और इनकी पत्नी का नाम सिमरन कौर है। राकेश कुकरेती जो कि राधा के बाबा का किरदार निभा रहे थे, तो इनकी भी शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम इनाली कुकरेती है। बसंत भट्ट जो कि बलराम का किरदार निभा रहे, तो ये अभी सिंगल है। मल्लिका सिंह जो कि राधा का किरदार निभा रहे, तो ये भी अभी सिंगल है। शिव्या पठानिया जो कि ओरिजिनल राधा का किरदार निभा चुकी थी, इनके बॉयफ्रेंड का नाम किंसुक वैद्या है। सुमेद मुदगलकर जो कि कृष्ण का किरदार निभा रहे, तो ये अभी सिंगल है पर इनकी रूमर गर्लफ्रेंड टुनिशा शर्मा रह चुकी हैं। तो अब आप सभी का क्या कहना है इसको लेकर, आपको इस सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।